हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फोरम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की अपडेट है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, पानीपत, सोनीपत, सिरसा और फतेहाबाद में जितने भी बैंक ब्रांचेज है यानी कि पीएनबी की जितनी ब्रांचेज है वहाँ पर पीएन की वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी बढ़िया वैकेंसी होने वाली दोस्तों। ये जो वैकेंसी है ऑफलाइन होगी, यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका जो ऑफलाइन आवेदन पत्र है यानी कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों उसे कैसे फिल कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी दूंगा यहाँ पर दोस्तों। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी कॉलम्स आपको अपने एप्लीकेशन लेटर के कैसे भरने हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाली सभी जानकारियां सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये आपका फॉर्म रहेगा, सिर्फ एक पेज का फॉर्म है और बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल इजी सा ये फॉर्म रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसे फिल करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों, वहाँ पर उस लिंक की सहायता से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बगैर कोई पैसा दिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों इसका प्रिंटआउट निकलवा कर फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे फिल करना शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज पीएन इन पीएनबी बैंक ब्रांचेज। अब इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म बताया गया, तो सबसे पहला जो कॉलम है यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। इसके बाद आपको डीओबी, दोस्तों आपकी जो डीओबी है बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए। इसके बाद आपकी उम्र 1 जनवरी 2022 को आपकी एज कितनी होगी, आप कितने ईयर्स के होंगे, कितने मंथ्स के होंगे, कितने डेज के होंगे, ये जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पर आप अपनी वाइफ का नाम लिख सकते हैं या फिर दोस्तों इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। आपकी फोटो दोस्तों रिसेंट होनी चाहिए यानी कि ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, नई फोटो होनी चाहिए। और दोस्तों आपके जो फोटो सेल्फ अटेस्टेड यानी कि उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। इसके बाद अगला जो कॉलम है कॉलम नंबर 7, यहाँ पर आपको अपने डोमिसाइल में जो एड्रेस है वो लिखना है। इसके बाद आपका कोई और दूसरा एड्रेस है तो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज सेम एड्रेस भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी, दोस्तों आपके जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी है वैलिड होने चाहिए ताकि डिपार्टमेंट आपसे आसानी से कॉन्टैक्ट कर सके। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके 10वीं के, 12वीं के और अदर डिग्री डिप्लोमा जो है उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। किस बोर्ड से पास की थी, किस ईयर में पास की थी, मैक्सिमम कितने मार्क्स के आपके एग्जाम हुए थे और आपने कितने मार्क्स हासिल किए थे और कितनी परसेंटेज बनी थी, ये सभी जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पर देनी होगी। सभी जानकारी दोस्तों आपको साफ साफ फिल करनी है और दोस्तों इसके जो सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है उनकी जो फोटोकॉपीज है वो भी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इसके साथ लगानी होगी। इसी के साथ देखिए अगला जो कॉलम है यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के बारे में बताना है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का नाम लिखेंगे, साथ ही अगर आप विद्रोह कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके जो कार्ड सर्टिफिकेट है वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है इस काम से रिलेटेड तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। कोई मेजर एलिमेंट है, कोई और अदर प्रॉब्लम आप बताना चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं। और दोस्तों कॉलम नंबर 15 जो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके खिलाफ पास्ट में या फिर प्रेजेंट में कोई क्रिमिनल केस है, कोई पुलिस केस है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। और दोस्तों उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको इसके साथ अटैच करने होंगे, आपके पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालने हैं और इनके जो फोटोकॉपीज है वो भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके लगानी होगी। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट में एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको यस पर टिक करना होगा क्योंकि आपको इंग्लिश जो है भाषा बोलने लिखनी और जो है पढ़नी आनी चाहिए, तो आप यहाँ पर यस पर टिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर नो पर टिक कर देते हैं तो दोस्तों आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपके डिक्लेरेशन दी गई है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे, यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। डेट दोस्तों जिस तारीख को आप अपना जो एप्लीकेशन लेटर है वो फिल कर रहे हैं उसी डेट को जो आप यहाँ पर कॉपी कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो आप अपना एप्लीकेशन लेटर फिल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा आपका लेटर रहेगा। और दोस्तों अगर कोई डाउट बचा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका एप्लीकेशन लेटर। हालांकि इसके बाद इसकी जो वैकेंसी है जैसे कि पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद में, इनके बारे में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये सिरसा और फतेहाबाद की वैकेंसी के लिए, टोटल जो 20 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टेबल भी दी गई है जिसमें वैकेंसी का ब्रेकअप भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपकी जो योग्यता यानी कि एजुकेशन है वो 12वीं पास होना चाहिए और दोस्तों आपकी उम्र जो है 18 साल से लेकर 24 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप इधर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। इसी के बाद देखिए अगर चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो दोस्तों आपके जो 10वीं और 12वीं के जो नंबर है उनके हिसाब पर आपका चयन किया जाएगा। वेतनमान यानी कि सैलरी आपकी 14,500 से लेकर 28,145 तक रहेगी। लास्ट डेट दोस्तों 28 फरवरी है यानी कि 28 फरवरी को शाम 5 बजे से पहले आपका एप्लीकेशन लेटर है वो डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। बाकी सभी डिटेल्स दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।